अगर आप लोगों के नाक पर भी इस तरह से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं, फेशियल करवा के थक चुके हैं, स्टीम भी ले चुके हैं, इसी तरह से भी ख़त्म नहीं हो रहे, तो चलें आज बगैर स्टीम लिए मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेमेडी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह फर्स्ट एप्लीकेशन से ही इस टेंशन से जान छूट जाएगी, चाहे ये चेहरे पे हों या आपके नाक पे हों, इंशाल्लाह फर्स्ट एप्लीकेशन से ही चेहरा साफ सुथरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो ये ज़बरदस्त सी रेमेडी को तैयार करने के लिए हम डिस्प्रीन की 2 अदद गोलियाँ लेंगे। अच्छा जी, ये जो डिस्प्रीन की गोलियाँ होती हैं ये सिर्फ सर दर्द के लिए ही नहीं मुफीद होती, बल्कि ये सर की खुश्की के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो नाक पे काले निशान आ जाते हैं जिसको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कहते हैं, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अलावा इसके बहुत से मुख्तलिफ काम हैं, तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का तरीका। इसके बाद आपके सर की खुश्की को दूर करने का तरीका भी इस वीडियो के बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि डिस्प्रीन की गोली से हम सर की खुश्की किस तरह से दूर कर सकते हैं। 2 गोलियाँ यहाँ पर मैंने डिस्प्रीन की ली हैं, ये देखें फ्रेंड, यहाँ पर हमने 2 गोलियाँ डिस्प्रीन की ले लेनी हैं। अब हम इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है वाइट वेनेगर, वाइट सिरका, हर किचन में हर घर में मौजूद होता है। इसके अलावा आप चाहें तो एप्पल वेनेगर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का सेम ही जो है काम है, कमाल की ये मेडिसन है। अब मैं इसमें जो है सफ़ेद सिरका, वाइट जो वेनेगर है वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, 2 मैंने डिस्प्रीन की गोलियाँ ले ली, बहुत ही सिंपल सी ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डिस्प्रीन की जो मेडिसिन है कमाल की मेडिसिन है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एमरजेंसी भी लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेडिसिन जो है बहुत ही बेहतर है हर लिहाज से, मुख्तलिफ चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो रेमेडी है ये मेरे भाई और बहनें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर ये जो भाई हसरात होते हैं ना, इनके फेस पर ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, नाक पर, भाई जब बाइक वगैरह चलाते हैं, ज़्यादा चलाते हैं, तो इससे इनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट है वो पड़ती है, फेस पर, इनके नाक पर, गाल पर ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं। और मर्द हज़रात जो हैं अपनी स्किन का भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, ख़वातीन तो फेस का ख्याल रख लेती हैं। ये देखिए, मैंने इसमें जो सिरका था ऐड किया था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ, आपने ग्लिसरीन ज़्यादा नहीं ऐड करनी, 3 से 4 ड्रॉप इसमें जो है अपने ग्लिसरीन ऐड करनी है ताकि हमारी स्किन पर ड्राइनेस ना हो। ये देखें, 3 से 4 जो है ड्रॉप मैं इसमें ग्लिसरीन के ऐड कर रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एलर्जी होने का ख़तरा होता है, अगर आप लोगों को इस पर लगाने के बाद स्किन पर किसी किस्म की इरिटेशन हो रही हो, जलन महसूस हो नाक पे या फेस पे लगाने के बाद, तो आपने इसको साफ़ कर देना है। तो इसके बाद कच्चा दूध लेकर हल्का सा आपने अपने फेस पर लगा लेना है और फिर इसको रात भर लगा रहने देना है और सुबह उठकर इसको वॉश कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करें ये आप लोगों की नोज़ है, इस तरह लगाकर आपने छोड़ देना है, जहाँ पर काले निशान हैं 5 मिनट लगाकर छोड़ देना है, नाक वाला एरिया जो है साफ करने से पहले। ये देखें, इस तरीके से आपने लगाना है। जब हम इस रेमेडी को बनाएंगे तो उसके फ़ौरन बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना, आपने 3 या 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देना, उसके बाद लगाना है। ये देखें, 5 मिनट आपने लगाकर छोड़ देना, मैंने वीडियो बनानी, मैंने थोड़ी देर के लिए लगाया है। लगाने के बाद इस तरह से आपने, मैं भी रिपीट कर रही हूँ कि 5 मिनट छोड़ना है इसको, उसके बाद आप टिश्यू से, कॉटन से, किसी भी चीज़ से अपने फेस को, नोज़ को अच्छे तरीके से साफ कर लें। ये देखिए, अच्छे से साफ करने के बाद आपने इसको इस तरह से लाइट लाइट सा दबाना है ताकि जो आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो अच्छे तरीके से निकल जाएं। इस तरह से दबाने के बाद आपने क्या करना है, टिशू ले लेना या तौलिया ले लें, जो भी आप लाइक करें, इस तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है।
अगर देखें आपके फर्स्ट एप्लीकेशन से साफ हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब नाक को साफ कर लेना तो चेहरे को साफ पानी से धो लेना है, साबुन से नहीं धोना, फेस वॉश से नहीं धोना। ये देखें इस तरीके से आपने अपने फेस को नोज को साफ कर लेना है। उसके बाद आपने ग्लिसरीन लेकर इस तरह से फेस पर लगा लेनी है। सारी रात आपने इसको लगा रहने देना है, सुबह उठकर किसी भी फेस वॉश से धो लें। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करें, और मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।